अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास साप्ताहिक कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कड़ी में अर्थव्यवस्था के विकास संबंधी सरकारी दावों और आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े सवालों का सामना करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका स्वागत करते हुए मेरा पहला प्रश्न यह है कि सरकार ने और भाजपा ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था में तेज सुधार के संकेत दिखने लगे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार ऐसा कहकर गुमराह कर रही है। नहीं, देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आंकड़ों को कोई लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन यह आंकड़े अलग अलग प्लेटफॉर्म से जब आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आते हैं, तो उसको एक इंडिकेटर के रूप में हमें सही मानना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी कलेक्शन का जो अक्टूबर माह का आंकड़ा है वह 1,05,000 करोड़ का है, और जीएसटी अपने आप में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समाहित करते हैं, चाहे कोई भी एफएमजी के खरीद फरोख्त हो, दूसरा ट्रेड है, इंडस्ट्रीज है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का अपने आप में जीएसटी के अंदर जो होता है वो समाहित होके कार्य होता है। तो मुझे लगता है कि जीएसटी का जो आंकड़ा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात के लिए। और भी बहुत सारे आंकड़े, अगर अपोजिशन को किसी आंकड़े से कोई ऑब्जेक्शन है तो हमें बताएं, हम उसको बताएंगे उनको इस शो में भी, अगर आप कोई बताएंगे तो हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन पीएमआई का डेटा देख ले, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को देख लें, उसमें भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, हाँ, और औद्योगिक और आईआईपी के फिगर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो हम, जो वित्त मंत्री जी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि अब हम बहुत कुछ हमने अचीव कर लिया, अब हमें कुछ नहीं करना, ये इंडिकेटर है कि हमारे जो जो रास्ता, जो मार्ग थे, जो हमने स्टेप्स लिए थे, वह अपने आप में सही दिशा में बढ़ रहे हैं, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आ रहा है, और आने वाले समय में हम और देखेंगे कि नवंबर माह में कैसा होता है, तो उससे सब चीजें और साफ होंगी। जी, और हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कर रहे हैं, जिस पर एक वर्ग का यह भी कहना है कि यह देश को एक बंद अर्थव्यवस्था बनाने की कवायद है, इस पर आपका क्या कहना? नहीं, देखिए, यह जो कुछ लोग इसका गलत प्रचार कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का मतलब है, हमने बहुत स्पष्ट रूप से, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, मैंने भी आर्टिकल भी लिखे हैं, बोला भी है, कि यह अपने आप में ना तो ये एंटी चाइना कोई इसका मूवमेंट है इसमें, और ना ही ये 1970 के दशक के जो क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ने वाली बात थी कि जब हम इंपोर्ट्स को पूरी तरह बैन कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आत्मनिर्भर भारत में प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन में हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इंटीग्रेशन की बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है वह है कि जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ओवर एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे है उसमें से जो लेबर डिस्प्लेस होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, खासकर एमएसएमई और छोटे उद्योगों में स्थान मिलेगा बढ़ोतरी होने से, तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है, उसको सस्ता इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल जाए, उसको लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम हो जाए, उसको लैंड की प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो, पावर कॉस्ट उसकी कम हो, इस तरह के लेवल प्लेइंग फील्ड का क्रिएट करना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, यह आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है कि हमारी इंडस्ट्री ग्लोबली और रीजनली कॉम्पिटिटिव बने। बिना कॉम्पिटिटिव बने आप कॉम्पिटिशन में किसी को छोड़ देंगे तो वह सक्सेसफुल नहीं होगा, जिसका अभी हम पीछे एग्जाम्पल भी देखते हैं कि बांग्लादेश की बात होती है, बांग्लादेश हमसे आगे क्यों पहुंच गया, हमने एफटीए साइन कर दिया आसियान कंट्रीज से और अपनी इंडस्ट्रीज को लेवल प्लेइंग फील्ड का मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट नहीं दिया,
तो हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। तो यह आत्मनिर्भर भारत का मतलब है भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को मजबूत करना और उसको ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन से हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इंटीग्रेट करना। डिफेंस में हमने प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100 से ऊपर आइटम्स खोले हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट कर रहे हैं। यह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यह आत्मनिर्भर भारत का सीधा लक्ष्य है। और कई कभी भी हम इम्पोर्ट बैन को बात नहीं कर रहे जी। और हाल ही में जो कृषि और श्रम क्षेत्र में सुधार किए गए हैं उनसे क्या सकारात्मक असर पड़ने वाला है? कृषि सुधारों को लेकर गुस्सा तो अब तक शांत नहीं हुआ है। नहीं देखिए, यह जो कृषि सुधार है, आज आप पिछले 30 साल के डिस्कशन नरेशन को सुन ले, चाहे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी एग्रीकल्चर की, चाहे एमएस स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट देख ले, चाहे एग्रीकल्चर के जितने, मैं तो कई सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस और डिस्कशंस में भाग लेता रहा पिछले 30 दशक के, आप देखेंगे तो सब में यह बात सामने आ रही थी कि कृषि क्षेत्र में अगर हमें विकास करना है, बदलाव करना है, ग्रोथ करना है, तो वहां के मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, उसमें वेयर हाउसिंग को क्रिएट करना है, कोल्ड स्टोरेज चेन को इस्टेब्लिश करना है, सप्लाई चेन को मजबूत करना है और एपीएमसी का जो मार्केट में मोनोपोली है उसको खत्म करना है। तो यह तीनों चीजें यह इस एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म में है। एपीएमसी की मोनोपोली केवल खत्म की है, एपीएमसी को नहीं खत्म किया है, उसकी मोनोपोली को खत्म किया है। फिर जो असेंशियल कमोडिटीज में जो जो लिमिट थी, अपर लिमिट थी, वह पिछले दशकों में जहां पे कि हमारे यहाँ शॉर्टेजेस होती थी फूड ग्रेन की, उस समय की जो लिमिट्स थी वो आज जहाँ सरप्लस हर कमोडिटी एग्रीकल्चर कमोडिटी में सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हटाया है क्योंकि वह पॉलिसीज आज की डेट में सक्सेसफुल नहीं थी। और अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आप एग्रीकल्चर सेक्टर में, वेयर हाउसिंग में, कोल्ड स्टोरेज में, सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करना है, बुलाना है, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करना है, तो उसको असेंशियल कमोडिटीज की लिमिटेड जो स्टॉक लिमिट थी और क्रिमिनलाइजेशन की जो उसमें प्रावधान थे उनको हटाना था, वह इसमें किया गया है। और अल्टीमेटली एमएसपी को भी कहीं खत्म नहीं किया है, कहीं भी एमएसपी का तो नाम भी नहीं लिया। तो कुछ लोग जो बिचौलियों को इस चीज से नुकसान हो रहा है, जो किसान को तो अपनी उपज का कमी पैसा मिलता था लेकिन जो उपभोक्ता है उसको बहुत महंगी चीजें मिलती थी, तो इंटर स्टेट ट्रेड नहीं अलाउ था, इन सबको खोला है। तो मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात, कॉन्सेप्ट को गलत लोगों ने प्रचार किया है, उसमें भी केवल प्रोड्यूस का कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि उसकी जमीन की, किसान की जमीन का कॉन्ट्रैक्ट होगा। और किसान को हरदम यह सुविधा है कि वो कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाए। तो यह जो पूरी तरह से यह आवश्यकता का जगह जगह चर्चा होती है, लेकिन पिछली सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह विल पावर नहीं था कि वह ऐसे बड़े बदलाव रिफॉर्म्स के कर पाए। 1991 के बाद हमारे देश में कोई बड़ा मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुए, पहली बार इतने बड़े रिफॉर्म्स हुए। लेबर का ही जैसे आपने बात की, लेबर में 44 से ऊपर कानून थे और उनका किस तरह से प्रॉब्लम्स थी कंप्लायंस की, और अनऑर्गेनाइज्ड की जो असंगठित क्षेत्र के 93% मजदूर है उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। हमने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा के सारे प्रावधान इसके अंदर किए हैं, कंप्लायंस को सरलीकरण किया है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जो फिर भी कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री के फेवर में है ये सब जो लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं। तो इंडस्ट्री किसके फेवर में, यही तो गलतफहमी हमारे यहाँ पे आर्थिक रूप से लोग जो जिसको मैं कहता हूँ क्रोनी सोशलिज्म, जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म होता है वो क्रोनी सोशलिज्म है। आप इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देंगे और फिर कहेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा, इंडस्ट्री के लिए हित में काम नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री कौन लगाएगा? विदेश से आप FDI बुला रहे हैं वो नहीं आने देना चाहते, डिफेंस इंडस्ट्री सेक्टर के लिए नहीं खोलना चाहते,
इंटरेस्ट रेट कम नहीं करने देना चाहते, तो फिर लगेंगे नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के, मार्केट रिफॉर्म नहीं करने देना चाहते, तो फिर इंडस्ट्री के फेवर में चीजें होंगी, तभी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। तो मुझे लगता है कि यह क्रोनी सोशलिज्म का जो लेफ्टिस्ट और जो राइट टू लेफ्ट टू सेंटर जो लोग हैं, वह लोग लोगों को बरगलाते हैं और कुछ नहीं है। हम राइट टू सेंटर पार्टी है, इंडस्ट्रीज का, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, मार्केट इकोनॉमी का हम सपोर्ट करते हैं। और तभी आपका जो पहला प्रश्न है यहाँ पे आपका हो गया, पहले आप कह रहे हैं कि हम क्लोज इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं आप इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, तो यह अपने आप में स्पष्ट करता है कि हम प्रो इंडस्ट्रीज हैं, प्रो मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते हैं और लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश में बड़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। जी, और भारत सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयास कर रही है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला अभी जारी है, इससे भारत के प्रयास किस हद तक बाधित हो रहे हैं? देखिए, इसमें जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का इफेक्ट है, इसमें आपने ठीक बात कही कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसका भारत पे भी अर्थव्यवस्था में इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वह जरूर गिर रहा है, लेकिन हमारे लिए इसमें भी एक सिल्वर लाइन है। जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि आपदा में अवसर को तलाशें, तो एक तरीके से हमारे लिए एक ये एक अवसर की तरह से निकल के आता है कि जो चाइना ने पिछले 25-30 साल में अपने आप को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप किया, तो जो इंटरनेशनल कंपनियां थी वो चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करके ग्लोबल मार्केट को सप्लाई करती थी, चाहे ऑटोमोबाइल है, FMCG है, इलेक्ट्रिकल्स है, खिलौने का उद्योग है, ऐसे लगभग 20 उद्योग थे जो चाइना में छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ग्लोबली कंपनियों ने एस्टेब्लिश किया और उससे ग्लोबल मार्केट को वो सप्लाई करते थे। अब कोविड में चाइना का जिस तरह से परिस्थिति है, वहां की जो वहां पे जो लीगल सिस्टम्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिस तरह से सरकार का पूरा कंट्रोल है, तो उसके भारत में डेमोक्रेसी है, लीगल सिस्टम है, तो कॉम्पिटिटिवली ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम, लिबरलाइज इकोसिस्टम के लिए भारत विदेशी कंपनियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। तो हमारे को कुछ पॉलिसीज एस्टेब्लिश करनी थी जिसके कारण विदेशी निवेश मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से शिफ्ट होके भारत में भी आ सके, तो यह अवसर के तरह से हमारे लिए यह सामने आया है। और उसी का असर है कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा ग्रोथ देख रहे हैं हमारे देश में, इवन हमारे देश में फार्मास्यूटिकल में बड़ा ग्रोथ देख रहे हैं, IT में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स है जो कि ग्लोबली बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करते हैं, इंडिया हब बन गया है स्टार्टअप इकोसिस्टम्स का, डिजिटल पेमेंट बहुत बढ़ गए हैं, फिर हमारे लिए ई कॉमर्स के कई अपॉर्चुनिटीज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह कोविड ने समस्या तो क्रिएट की है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में जो रीवर्किंग हो रही है वह कहीं ना कहीं हमारे भारत के लिए अवसर प्रदान कर रहा है, लेकिन भारत की सरकार को उन अवसरों को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी कई तरह के नए इनिशिएटिव हम लोग लेके आ रहे हैं अभी, जो पिछले आत्मनिर्भर भारत के अलावा और भी आने वाले समय में कई इकोनॉमिक रिफॉर्म हम करने वाले हैं, तो वह उससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, तेजी से बढ़ेगी। जी, और अभी हमने बिहार चुनाव में देखा कि किस तरह रोजगार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना। मोदी सरकार ने भी बड़ी संख्या में रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है, इस मुद्दे पर सरकार क्या कर रही है? देखिए, एक चीज मैं इसमें स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि यह जो सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, PSU की बात करते हैं, यह जो इसमें जो एक रोक लगी हुई थी वो हमने नहीं लगाई थी। 10 साल से कोई नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किसी भी इंडस्ट्री में नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिवली PSUs और गवर्नमेंट का साइज बहुत बड़ा था। तो फिर रोजगार कहाँ जनरेट होगा? रोजगार जनरेट होगा रोजगार के अवसरों में,
सरकारी नौकरियों में नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप देखें तो एमएसएमई सेक्टर में मुद्रा लोन के थ्रू हमने बहुत बड़ा प्रयास किया है कि लोगों को स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप और उसमें अवसर प्राप्त हों। रेडी वाले पटरी वालों के लिए 3,10,000 करोड़ का हमने आत्मनिर्भर भारत में प्रावधान किया है, जिसमें छोटे छोटे रेडी वाले पटरी वाले इस स्कीम्स को देखो हमारे ही नहीं, भाजपा के ही नहीं राज्य, बल्कि जो अपोजिशन जो बाकी भाजपा की बहुत सारी स्कीम्स में आगे बढ़ के नहीं आते और उनको फेल करने का प्रयास करते हैं, इस स्कीम में जो रेडी वाले पटरी वालों की जो इनिशिएटिव है उसके लिए जो उनको क्रेडिट की स्थिति है, लाइसेंस की जो स्कीम्स हैं उसके अंदर सामने बढ़ के आ रहे हैं, तो रेडी वाले पटरी वालों में बहुत रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। एमएसएमई में मुद्रा लोन की तरह बात है, 10,00,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं, एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की पूरे देश में हम बात कर रहे हैं, 1,00,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जिससे उसमें से 1,25,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रावधान सरकारी सहायता के रूप में कर रहे हैं। तो यह सारी चीजें जो है वो अपने आप में बड़ा रोजगार का अवसर प्रोवाइड करेगा। हम लोग रोजगार के अवसर की बात कर रहे हैं, हम नौकरियों की बात नहीं कर रहे। अगर जैसे कल अमित भाई जी ने कहा पंजाब बंगाल में जी कि अब जो अपोजिशन आरजेडी कह रहा है कि हम 10,00,000 नौकरियां देंगे, अरे वो उसका साइज जो है बिहार का बजट आरजेडी ने 2005 में 23,000 करोड़ का बजट का साइज छोड़ के गए थे, आज जरूर 2,11,000 करोड़ का बजट हो गया है साइज बिहार का, लेकिन फिर भी 10,00,000 लोगों को रोजगार देने का उस बजट में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, वह तो रोजगार के अवसर की बात है। तो हम लोगों ने हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, ऐसे जगहों पे हम लोग रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात करें, हम जनता को बरगला नहीं रहे जी। और विपक्ष ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि कुछ ही उद्योगपतियों को सारा फायदा पहुंचाया जा रहा है, उनके ऋण माफ किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इस बारे में राहुल गांधी ने भी 2 दिन पहले भी ट्वीट किया था। देखिए राहुल गांधी केवल ट्वीट करना जानते हैं, ना उनके पास डेटा है ना वह पार्लियामेंट, अगर ऐसी मुसीबतें थी उनको लगती थी तो पार्लियामेंट में रह के चर्चा करना चाहिए था, वो कुछ नहीं ट्वीट करते हैं और कोई जवाब सवाल नहीं है। आप ये बताइए कि जो पूरी व्यवस्था उन्होंने बात की है कि रोजगार की बात है या जो भी बातें हैं, उन्होंने अपने आप में क्या वो उस चीज को कर रहे हैं? आपने उनका कौन सा ट्वीट की बात की है आपने अभी? जी अभी उन्होंने कहा था कि अभी जो एयरपोर्ट्स हैं वो दे दिए गए हैं, कुछ ही उद्योगपतियों का सारा फायदा पहुंचाया जा रहा है, जो करीबी लोग हैं प्राइवेट हैं। जी जी तो जो जहां तक जो बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ करने की बात कर रहे हैं, आप उनसे हम कितने दिनों से पूछ रहे हैं कि आप एक भी उद्योगपति का एक भी कोई ऋण बताइए जो हमने माफ किया है। वो कहते हैं एनपीए को राइट ऑफ किया है, एनपीए को राइट ऑफ नहीं किया, बैंक की बैलेंस शीट को मजबूत किया है पिछले और रिकवर किया है पैसा। एमपीए जितने भी क्रिएट हुए थे वो कांग्रेस की यूपीए सरकार के अंतर्गत हुए थे, वह किसी तरह पैसा किसी का ले नहीं रहे थे और उनको छूट दे रखी थी। हम लोगों ने कोई भी बैंक से एनपीए राइट ऑफ नहीं किए हैं और उद्योगपतियों से, और हमने 13 नए कानून बनाए जिससे आज विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग को भागने पे मजबूर हुआ, नहीं तो आप विजय माल्या की लाइफस्टाइल देखते थे यहाँ पे, क्या लेविश लाइफस्टाइल लेते थे, बैंकों का पैसा खा खा के बढ़ते जा रहे थे। तो हम लोगों ने इनसे पैसा रिकवर किया है, बैंकों की बैलेंस शीट को मजबूत किया है, कोई एनपीए को राइट ऑफ नहीं किया, उसको प्रोविजन किया। प्रोविजन और राइट ऑफ का फर्क मेरे ख्याल से राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं है इसलिए उनको उस चीज का फर्क नहीं पता है कि प्रोविजन क्या होता है। प्रोविजन उसके इंस्टीट्यूशन को, बैंकों को मजबूती प्रदान करता है बैड डेट और उसके लिए जो ऑलरेडी सिस्टम में थे,
और रिकवरी की पूरी प्रोसेस हमने मजबूत की है और कहीं भी ऐसी बात नहीं है जो वो कहना चाहते हैं। और मैं एक डेटा जरूर देना चाहता हूं, जी। 2016 में ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि इस देश में जो लगभग 58% जो नेट जो सकल घरेलू जो वेल्थ है भारत की वह 1% लोगों के है। तो जब 1947 से लेके 1914-15 तक देश की आर्थिक रूप से प्रगति हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि देश ने आर्थिक रूप से प्रगति नहीं करी, लेकिन उसका फायदा केवल एक विशेष वर्ग को हुआ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इतना था कि 1% हमारे देश की जनसंख्या लोगों के पास, 58% सकल घरेलू वेल्थ की उनके पास वह थी, और हमारे 97% पॉपुलेशन जो देश की थी 1916 की, ये 2016 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 97% जनसंख्या के पास मात्र 7,000-10,000 डॉलर से भी कम की उसके पास वेल्थ थी, यानी 7 लाख रुपए से कम उनकी नेटवर्थ थी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो उनके सामने थी। हमने डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग किया, हमने बैंकों के रिकवरी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया, लॉज चेंज किए, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लाए, फिगुटिव ऑफेंडर्स एक्ट लाए, काले धन के ऊपर अंकुश लगाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जनधन अकाउंट के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना शुरू किया। नहीं तो राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपए में से केवल 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते, 85 पैसा जो है वो कांग्रेस के यूपीए के कार्यकर्ताओं और सरकारी कर्मचारियों की जेब में जाता है। तो हम लोगों ने आज कितना वो चीजों को ट्रांसपेरेंट किया। आज ही एक रिपोर्ट में आपके सामने बस दे के अपनी बात को यहाँ पे खत्म करूंगा इसमें, कि 4.5 करोड़ या जो हम लोगों ने यह जो राशन कार्ड है, फर्जी राशन कार्ड खत्म किए पिछले 2 साल में, 4.5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड में, 4,37,00,000 समथिंग का आंकड़ा है जी। फिर उसके बाद आपने देखा 6 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत हमने गैस कनेक्शन दिए, 1 करोड़ लोगों के गैस कनेक्शन जो कि वॉलंटरी रूप से चाहे उन्होंने सरेंडर किए या फर्जी थे, उनको खत्म करके बिना पैसा एक्स्ट्रा सरकार का खर्च के 6 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए। सब्सिडी में बिना सब्सिडी को कम किए 90,000 करोड़ एक साल में, पिछले साल हमने सब्सिडी के कोई रेट को बिना कम किए सरकार के बचाए, उससे कितना देश का फायदा हुआ। तो यह चीजें मैं तो डेटा बता रहा हूं, अब राहुल गांधी कहां से उनको कौन बताता है, कहां से पता चलता है, मुझे समझ नहीं आता जी। गोपाल जी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि कोरोना वायरस संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और इसमें इस साल 10.3% की गिरावट आने का अनुमान है। कहा हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर चले थे, अब उस लक्ष्य का क्या होगा संक्षेप में? देखिए, हाँ, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप कर दिया कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, हम उसको अवश्य पूरा करेंगे। हमारे मंत्री जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम उसको अवश्य अचीव कर लेंगे। हमारी वी शेप्ड रिकवरी तेजी से, इसको IMF और वर्ल्ड बैंक भी मान रहा है कि भारत की अगले साल सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। यह टेम्पररी फेज था, लॉकडाउन के कारण इतनी में प्रॉब्लम, हम लोग फिस्कल स्टिमुलस पैकेज और इनके द्वारा इकोनॉमी को तेजी से अपनी गति पे आएंगे। ट्रांसपोर्ट, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ओपन डिफेंस सेक्टर और FDI और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के थ्रू हम अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमी और GDP को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उस रास्ते पे चल रहे हैं जी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर नकारात्मक या शून्य हो सकती है। कांग्रेस कह रही है कि हमारे जमाने में 8-10% की विकास दर का मजाक उड़ाने वाली भाजपा अब शून्य पर इतरा रही है।
नहीं देखो, कोविड की त्रासदी को आप वंस या में कितने के बाद ऐसी त्रासदी आती है, 1930 में जो वो आया था, ग्लोबल रिसेशन आया था, लगभग लोग उसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद 2008 में बहुत बड़ा मेल्टडाउन आया था, लेकिन जी उससे भी ज्यादा बड़ी त्रासदी कोविड की है। तो जी प्रधानमंत्री और सरकार के मजबूत इरादे के कारण ही हम इस अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने में सफल हुए, या एक टेम्पररी फेज है। इस जी पीरियड के जीडीपी ग्रोथ से कांग्रेस के 10 साल को हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम वापस जी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनेंगे। पीएमआई वगैरह आप देखेंगे, जी ये सब आईआईपी नंबर्स वगैरह सब पॉजिटिव रेंज में आ गए हैं। जी और कुछ समय पहले सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया कि चीन से जो विदेशी कंपनियां बाहर जा रही हैं उन्हें भारत में निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके। उस अभियान में अब तक कितनी सफलता मिली, इस बारे में कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, उसमें बहुत सारी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है। 20 सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें खिलौना उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसे छोटे छोटे कई तरह के इंडस्ट्रीज हैं जिसको कि हम सोचते हैं कि चाइना से वो शिफ्ट होके यहाँ पे भारत में आएगा। तो सबसे बड़ी आत्मनिर्भर भारत में, क्योंकि लैंड बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी उद्योग को बिल्कुल लगाने के लिए, तो केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है और स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अपने पास जितने भी लैंड बैंक है, अवेलेबल लैंड है, आप उस जी पे अपलोड कर दीजिए ताकि इन्वेस्टमेंट को आसानी मिले। हमने जी कॉरपोरेट टैक्स को 25% पे कर दिया, जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव अब हो गया हमारा कॉरपोरेट जी टैक्स, तो उसके कारण भी बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ आने को तैयार है। डिफेंस जी में इतना सारा डिफेंस इंडस्ट्रीज को खोल दिया। आज जी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखो, जो ऑटोमोबाइल सेल्स जो है ऑल टाइम हाई हुई है, हुंडई और इसकी मारुति की जो कार मारुति सेल्स जी है, यानी जी उनके जीवन में उनके पूरे कार्य सबसे अधिक सेल अभी इस महीने अक्टूबर के माह में हुई है। होंडा की जी जो मोपेड और मोटरसाइकिल की सेल बढ़ी है। तो आज नितिन जी ने कहा है कि हम ग्लोबली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बन जाएंगे। तो जी यह सब इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हम लोग उस तरफ रास सही कदम बढ़ा रहे हैं। और पांच हम नई पॉलिसीज इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में वर्कआउट कर रहे हैं, जिसका कुछ संकेत प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दिया दिया था। वह है 1955 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो अभी तक चालू है, उसको जी बदल के नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रहे हैं। जी लॉजिस्टिकल पॉलिसी नई लेके आ रहे हैं, ई जी कॉमर्स पॉलिसी नई लेके आ रहे हैं, रिटेल ट्रेड पॉलिसी नई लेके आ रहे हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये पांच नई पॉलिसी सरकार अभी उस पर काम कर रही है। और जल्द ही यह नई पॉलिसीज रिफॉर्म के रूप में तेजी से आएगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लॉजिस्टिकल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड जी पॉलिसी, जी लैंड बैंक की अवेलेबिलिटी, में जी आत्मनिर्भर भारत में सीरीज ऑफ पैकेजेस उनको सपोर्ट के लिए देना, तो जी और भ्रष्टाचार को खत्म करना, जी कंप्लायंसेस को ईज करना, कॉरपोरेट टैक्स को कम करना। मैं तो आपके सामने इतनी बड़ी लिस्ट बना सकता हूँ जी कि आप कहोगे जी कि भाई आप थोड़ा सा रुक जाओ, ज्यादा जी लंबा समय मत लो। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग इंडस्ट्री को समझते हैं, जी सीआईआई, एसोचैम, पीएचडी, फिक्की, इन सब से मेरी चर्चा होती रहती है, वह सब पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ सरकार की योजनाओं के प्रति आश्वस्त हैं और वह आगे बढ़ रहे हैं। जरूर इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं डिनाई नहीं करता, वह जी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उनके साथ सीधे संघर्ष करके उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जी गोपाल जी, मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि इस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि सरकार त्योहारों से पहले एक और प्रोत्साहन पैकेज ला सकती है, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा जल्द ही नए बजट की तैयारियां भी शुरू होने वाली हैं। क्या भाजपा की ओर से करदाताओं को कुछ और राहत देने का सुझाव वित्त मंत्री की को दिया जाएगा? देखिए, भाजपा अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जनता की आकांक्षा अपेक्षाओं को हम समाहित करके, पूछ के, बातचीत करके वित्त मंत्री और जी सरकार में पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर साहब को देते हैं। पिछले बार भी जी हमने यह बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी
और अलग अलग सेक्टर में 11 सेक्टर्स की मीटिंग की थी, आरसेप में किया हमने, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत में किया हम लोग, मेरे पूरे कार्यकाल में यह सारे काम चलते रहे। इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को वित्त मंत्री को कंटिन्यूस रूप में देते हैं, कोई वंस अपॉन ए टाइम वाला स्थिति नहीं है। हमारे वित्त मंत्री जी जब भी हम चाहते हैं पार्टी ऑफिस में आती हैं, बात करती हैं, हम लोग भी कभी भी उनके साथ कम्युनिकेट करके अपनी बात को रख सकते हैं और वह इस बात को इनकॉर्पोरेट भी करती है। आरसेप में देखिए, एफटीए में देखिए, बजट में देखिए, आत्मनिर्भर भारत में देखिए, अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे हम पूरी तरह, जो मैंने 5 पॉलिसी किए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोगों से बात करके सरकार को दे रही है और इसलिए उसमें तो आप आश्वस्त रहिए। दूसरी बात आपने कही है कि पैकेज की बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी और वित्त मंत्री जी ने भी अभी अनाउंस किया है कि आत्मनिर्भर भारत का जो 1,00,000 करोड़ का हमारा अनाउंसमेंट हुआ था वो 1/a time नहीं था, वह 1/a series था। तो जिस इंडस्ट्रीज में जब जिस वक्त जरूरत होगी हम कंटिन्यूअसली उस इंडस्ट्रीज उस सेगमेंट के सपोर्ट में उसको करेंगे, लेकिन उन सेगमेंट्स को अभी हम नहीं सपोर्ट करें जिसमें कि बहुत उम्मीद नहीं है कि वह रिकवरी और रिवाइवल की तरफ कैटलाइज कर पाएगा। तो इसलिए कंटिन्यूअसली अलग अलग समय पे, चाहे पहले फार्मा में देखें, हेल्थ सेक्टर को देखें, उसके बाद एग्रीकल्चर को देखें, ऐसे अलग अलग सेक्टर को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिस्कल स्टिमुलस कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा और हमें अब जीएसटी और टैक्सेशन में, आज तो एक्साइज की रिपोर्ट आई है, एक्साइज में 34% की बढ़ोतरी एक्साइज कलेक्शन में हुई है, तो मुझे लगता है कि ये रिसोर्स जनरेट हो जाएंगे तो सरकार और खर्च करने में आगे बढ़ेगी। जी गोपाल जी, आपने जिस प्रखरता के साथ अर्थव्यवस्था के विकास संबंधी बिंदुओं को स्पष्ट किया है और आंकड़ों की उलझनों को सुलझाया है, उससे निश्चित ही बहुत से लोगों के मन में उमड़ रहे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरा भी सभी आपके श्रोताओं को बहुत अभिनंदन, धन्यवाद और आने वाले समय दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से वी शेप रिकवरी की तरफ बढ़ रही है। हम प्रतिबद्ध हैं जनता की आवाज को सुनकर पॉलिसी लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार की ओर से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी त्योहार के लिए।